Hello students, in last video we have finished here. Now we started here. Circle. Student, circle is a round shape figure is called a circle. Look at here, the definition of circle is, a circle is a closed figure each of whole points is equidistant from a fixed point inside it. एक circle एक ऐसा figure होता है, closed figure होता है जिसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे जो सर्कल के सारे पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. तो वो जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड इट्स सेंटर. वो जो पॉइंट होता है वो एक सर्कल का सेंटर होता है. इन द फिगर, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में जो ओ है वो सेंटर है एक सर्कल का. सो यहाँ पे जो ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, पर जो ओ से इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है. तो ये जो सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं दिस इज़ ये जो ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, इन्हें हम रेडियस भी कह सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन इट्स कॉल्ड इट्स रेडियस. एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से मैच होता है सर्कल पर, दिस इज़ कॉल्ड इट्स रेडियस. तो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या क्या है, एक तो आप ओ सी जो है वो भी रेडियस है, यहाँ जो ओ बी है वो भी रेडियस है, और जो ओ ए है वो भी रेडियस है. नाउ कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल. यहाँ जो भी सर्कल के कोई दो पॉइंट्स को जो लाइन मैच करती है दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. यहाँ पे ए बी भी कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है. मतलब दो पॉइंट्स कोई से भी अगर आप मैच कराते हो सर्कल पे दिस इज कॉर्ड. नाउ डायमीटर, अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. एक डायमीटर वो होता है जो सेंटर से पास होता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैच करता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ए बी है दिस इज कॉल्ड अ डायमीटर. यहाँ ए बी जो है वो डायमीटर है. जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर भी हो सकता है. यहाँ सी डी जो है वो डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता हुआ होता है और जो सर्कल होते हैं उसके दोनों पॉइंट्स को मैच करता हुआ होता है. तो दिस इज ए बी जो है यहाँ वो डायमीटर है. तो आप देख रहे हैं कि जो डायमीटर है ए बी, अगर आप इसका एक पोर्शन छुपा लें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए ओ बी ये जो है वो डायमीटर है. अगर आप इस वाले पोर्शन को छुपा लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बचता है ओ बी. तो ओ बी क्या हो गई, रेडियस. तो यहाँ एक रिलेशन होता है रेडियस और डायमीटर के बीच में, वो ये है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है. आधी का मतलब पूरा तो होता है डायमीटर, पर अगर हम इसका हाफ पार्ट हाइड कर दें तो जो ओ बी है वो रेडियस होती है. तो इसका मतलब जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी दुगना होता है. मतलब दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाती है. तो इस तरह से यहाँ एक फॉर्मूला जो होता है वो बनता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई रेडियस. ये इस तरह से बना हुआ है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का दुगना होता है. तो दिस इज डायमीटर. नाउ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हम बोलते हैं हाफ सर्कल को. लुक एट हियर, अगर हम ये जो सर्कल है इसको हाफ पार्ट को हम हाइड कर दें तो ये जो हाफ पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज हेमी सर्कल, सेमी सर्कल. नाउ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होती है जो बाउंड्री होती है एक सर्कल की, बाहर जो बाउंड्री होती है दिस इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस. नाउ एक्सरसाइज 58, लुक एट द एडजोइंग फिगर एंड नेम. यहाँ आपको एक फिगर जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं शो हो रहा है. आपको इसमें देख देख कर ये बताना है ऑल द रेडियाई, रेडियाई मतलब इसमें कितनी रेडियस हैं वो बतानी है आपको. द डायमीटर आपको ये बताना है इसमें डायमीटर कौन सा है, और द कॉर्ड शो इन द सर्कल, और इसमें ये बताना है कि इस फिगर में कौन कौन से कॉर्ड है. तो ये क्वेश्चन हम वर्कशीट में करेंगे. नाउ कम इन वर्कशीट, लुक इट हेयर, ऑल द रेडियाई शो इन द सर्कल. रेडियाई मतलब आपको यहाँ रेडियस देखनी है. अब रेडियस का मतलब आपको समझ में आता है कि पॉइंट से आप जो पॉइंट सेंटर से पॉइंट का मैच होना. तो ये होते हैं जैसे यहाँ पे ओ बी जो है वो क्या है, रेडियाई है. ओ सी क्या है, रेडियाई है. ओ ए, ओ डी, ओ जी और ओ ई, मतलब जो भी सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को जो लाइन मैच कर रही है दिस इज रेडियाई. तो वो सब रेडियस होते हैं. नाउ डायमीटर, डायमीटर आपको पता है कि सेंटर से पास होता है. तो सेंटर से कौन कौन सी जो दो लाइन है वो पास हो रही हैं, एक तो आप देख रहे हो सेंटर से ए बी पास हो रही है, तो
तो दिस इज डायमीटर और एक सीडी पास हो रही है और पास तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो ई एफ है ये भी सेंटर से पास हो रही है बट ये डायमीटर नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है वो सर्कल के इस पार्ट को टच नहीं कर पा रही है तो ई एफ जो है वो डायमीटर नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं कि सर्कल के जो दोनों पॉइंट्स को मैच कर रही है और सेंटर से होते हुए गुजरती है तो वो डायमीटर होता है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी जो है वो डायमीटर होंगे। नाउ ऑल द कॉर्ड शो इन द सर्कल, आपको यहाँ पे कॉर्ड बताना है। कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स जो आप मैच करते हैं, जैसे ए सी जो है वो यहाँ पे कॉर्ड है, इस तरह से बी डी जो है वो कॉर्ड है, ए बी जो है वो कॉर्ड है और सी डी जो है वो कॉर्ड है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब हर एक पॉइंट जो सेम डिस्टेंस से होता है कहाँ से, सेंटर से। ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, जो रेडियस होती है जो रेडियाई होती है वो इक्वल होती है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इज रेडियस, अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब कॉर्ड तो बहुत सारी होती हैं पर जो डायमीटर वाली होती हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती हैं। द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफ्रेंस। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, अ सर्कल इज द पॉलीगन, दिस इज फॉल्स, क्योंकि एक सर्कल पॉलीगन नहीं हो सकता क्योंकि जो पॉलीगन होता है वो लाइन सेगमेंट से ड्रॉ होता है तो सर्कल में तो कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं तो इसलिए दिस इज फॉल्स। अ सर्कल हैज़ नो वर्टेक्स, दिस इज ट्रू, अ सर्कल हैज़ ओनली वन डायमीटर, फॉल्स, क्योंकि सर्कल में कई डायमीटर्स हो सकते हैं। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कैन बी लॉन्गर दैन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 4 to 7 जो है वो हम वर्कशीट में करेंगे, सो कम इन वर्कशीट। लुक एट हियर, अ सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स डायमीटर। यहाँ आपको जो रेडियस है वो गिवन है, जो रेडियस दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर और ये आपसे डायमीटर जो है वो क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ इसका डायमीटर कितना है, मतलब कितना लंबा है इसका डायमीटर। तो आपको यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, डायमीटर का एक फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, 2 × रेडियस। सो यहाँ पे 2 का 2 आपको एज इट इज़ राइट करना है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, और रेडियस की जगह आपको 8 राइट करना है, रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में। सो 2 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं देन योर आंसर इज 16। सो आपका जो डायमीटर है वो 16 है। नाउ अ सर्कल हैज़ द डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स रेडियस, ये अपनी रेडियस से कितना बड़ा है, ये कितना डिफरेंस है इनमें। तो डायमीटर का यहाँ आपको डायमीटर गिवन है, यहाँ आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस आप किस तरह से निकालेंगे, आपका ये जो फॉर्मूला था डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 × रेडियस, यहाँ आपको डायमीटर जो है वो दे रखा है और आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो आप किस तरह से करेंगे, ये जो 2 है आप इस डायमीटर के नीचे लेके जाएंगे तो आपका रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। तो डायमीटर के नीचे हमने 2 राइट किया, डायमीटर जो आपको क्वेश्चन में गिवन था 10/2 हमने इस तरह से राइट किया है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन योर आंसर इज 5, तो आपकी जो रेडियस क्या हुई वो 5 हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास, आपको 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है कंपास का यूज़ करके, एंड नेम इट्स सेंटर एज ओ, ड्रो एंड मार्क ए रेडियस ओ एम, ए डायमीटर एक्स वाई, अ कॉर्ड एम एन। आपको सबसे पहले तो एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, उसके सेंटर को ओ मार्क करना है और फिर उसके अंदर ये 3 जो आप जो थिंग्स दे रखे हैं आपको, एक रेडियस आपको उसमें राइट करना है, एक डायमीटर आपको उसमें बताना है और एक कॉर्ड आपको उसमें ड्रॉ करना है। तो आप किस तरह से करेंगे ये, सबसे पहले तो आपको सर्कल कैसे आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको कंपास में इस तरह से पेंसिल को अरेंज करना है, मेक श्योर कि आपकी जो दोनों पॉइंट दोनों हैं लाइक जो आपकी पेंसिल का जो कॉर्नर है और जो कंपास का कॉर्नर है वो सेम डिस्टेंस में होना चाहिए, इस तरह से आपको इसे करना है। और फिर उसके बाद आपको स्केल पर आपका जो क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर की आपको रेडियस लेनी है, तो इस तरह से आपको 4 सेंटीमीटर मेज़र करना है कंपास से। यहाँ आप जो कंपास का है जो शार्प पॉइंट है उसको 4 पे रखना है और जो पेंसिल का है उसे आपको 0 पे इस तरह से मेज़र करना है। इस तरह से आपने 4 सेंटीमीटर का ये मेज़र कर लिया है, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है इस पॉइंट पे यहाँ रखकर
और इस तरह से आपको इसे सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। ना अब इसके बाद में आपको इसमें जो जो पॉइंट्स आपने क्वेश्चन में है हमारे, एक रेडियस आपको राइट करनी है। तो रेडियस आपको पता है कि सेंटर से जब आप एक पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं दिस इज़ रेडियस। तो यहाँ इस रेडियस को हमने जैसा कि क्वेश्चन में है नाम देना है OM, तो यहाँ हमने OM नाम दिया है। एक डायमीटर आपको बनाना है, डायमीटर का मतलब आपको दो पॉइंट जो है वो सेंटर से मैच होते हुए करना है, सेंटर से गुजरते हुए उससे मैच करना है। तो यहाँ मैंने सेंटर से पास होते हुए दो पॉइंट्स लिए हैं X और Y, तो यहाँ पे ये क्या हो गया डायमीटर। एक कॉर्ड आपको बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए सर्कल के और इन्हें मैच कर दिया, तो दिस इज़ कॉर्ड। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको, इस तरह से आपने जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर का बनाया, आप स्केल पे मेज़र करके कितने भी सेंटीमीटर का आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह से आप उन्हें नेम दे सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि कॉर्ड कहाँ मेंशन होती है, डायमीटर कहाँ मेंशन हो सकता है और रेडियस कहाँ मेंशन हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, बुक में और भी एग्जांपल दे रखे हैं, आप ये एग्जांपल जो है, जो क्वेश्चन है, इनके घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके जो चैप्टर 14 था वो फिनिश हो गया है। वी विल सेंड यू वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू विल हैव टू डू दिस इन मैथ्स नोटबुक। बाय स्टूडेंट्स, एंड डू प्रैक्टिस एट होम।